गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने एक बात आप लोगों से कहा था, एक ही काम के बारे में अगर कई आदमियों से सलाह की जाए तो सबकी मति अलग अलग रहेगी, एक नहीं होगी। सब अपने अनुसार आपको चलाना चाहेंगे, इस समय के वातावरण के प्रभाव में कुछ इस तरह की स्थिति आकर के पैदा हो गई है कि आदमी शरीर के सुख को प्रधानता दे रहा है, जीवन को प्रधानता नहीं दे रहा। जीवन का सुख, जीवन के सुख को प्रधानता नहीं दे रहा, शरीर के सुख को प्रधानता दे रहा है। आप चाहेंगे मेरा जीवन सुखी हो, परंतु आपके अपने चाहेंगे कि मेरा जीवन सुखी हो। आज की स्थिति को आप सही से मूल्यांकन करके देख लीजिए। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर आप शब्द सुनना, सुखी नहीं कह रहा हूं, अगर आप अपने जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हैं तो सड़े गले, कांटे कटीले, जो झाड़ झंकाड़ आपकी जिंदगी में आ गए हैं उनमें मत उलझिए। मैंने हटाने के लिए भी नहीं कहा है, मैंने केवल एक बात कहा है, उनसे उलझिए मत, उनसे बच करके रहिए। स्वतंत्र रीति से अपना निर्णय लीजिए। बहुत जोर लगा करके दोबारा से बोल रहा हूं, किसी के कहने पर, किसी की इच्छा पर नहीं, अपना निर्णय खुद लीजिए और निर्णय ले करके उस पर चलने का प्रयास करिए। आप अपना सिद्धांत बनाइए ना। सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की। बहुत अच्छे से मना करने का प्रयास कर रहा हूं, किसी को प्रसन्न करना चाहेंगे आज के समय पर, किसी को प्रसन्न करना चाहेंगे, ये सुखी रहे, खुश रहे, तो आप उलझ जाएंगे। चापलूसी हो जाएगी, चापलूसी, क्योंकि अपनी अपनी मति सबकी है और आजकल सब अपने आपे को देख रहे हैं और आप उनको सुख देना चाहते हैं और वो सुख जीवन का नहीं, शरीर के सुख को ढूंढ रहे हैं, तो वो आपको लेकर के उलझ जाएंगे। तरह तरह के आरोप, जो मैंने कांटे कटीले झाड़ झंकाड़ की बात बोली है, आप पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, अपने आप को सही सिद्ध करना चाहेंगे और आप उनकी खुशी के लिए उनकी चापलूसी करेंगे,
आज की स्थिति तो ये है कि मां बाप भी अपने बच्चों की चापलूसी कर रहे हैं। चापलूसी कहा है मैंने, चाटुकारिता। ईमानदारी से अगर सच्चाई से देखा जाए, अगर भावनात्मक रिश्ते को हटाया जाए तो बच्चों को मां बाप की जरूरत होती है। मां बाप तो अपनी भगवान की जो भाव है, भावना है, उसके कारण ही तो बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। परंतु स्थिति बिगड़ते बिगड़ते आज यहां पहुंच गई कि आज मां बाप भी अपने बच्चों की चाटुकारिता कर रहे हैं। साफ साफ बोल रहा हूं, अगर अपना सिद्धांत बनाना चाहते हैं तो एक कहना आपको मानना पड़ेगा, लोग क्या कहते हैं इसे कानों में से सुनते रहिए, परंतु उसका महत्व उतना ही समझिए। मेरी बात को बहुत अच्छे से कह रहा हूं, क्या कहना चाहता हूं, कानों से तो सुनिए, अपने मन से मत लगाइए। जब आप में इतनी हिम्मत हो जाएगी, आप कहने वाले को रोक नहीं सकते। जब आप इस काम को करेंगे तो वो और बुरा और बुरा और बुरा आपकी प्रतिक्रिया कराने के लिए, आप भी उस पर प्रतिक्रिया करें तो और ज्यादा उकसाएगा, और ज्यादा गलत बोलेगा, और ज्यादा आपको भड़काएगा। आपको नहीं करना है। मैं कह रहा हूं कान को आप रोक नहीं सकते सुनने से, मैं ये कह दूं अनसुना कर दीजिए तो ऐसा आप कर नहीं सकेंगे, परंतु सुन करके मुस्कुराइए, सुन करके मुस्कुराइए, उस पर कोई प्रतिक्रिया मत करिए। फिर दोबारा से बोल रहा हूं, जो जितना आपका विरोधी हो जाए उसे होने दीजिए, पर उसमें से एक सत्य का रास्ता निकालिए, सत्य का रास्ता, उसको मत छोड़ देना। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, मैं एक पहले उदाहरण देना चाहूंगा, उदाहरण देना चाहूंगा। भगवान बुद्ध के पास में एक भक्त आए, भक्त ने आकर के कहा कि मैं कुछ सत्य को जानता हूं, कुछ सत्य के बारे में जानता हूं, परंतु मेरी मजबूरी यह है, अपने स्वभाव वश कहिए, आदतों वश कहिए, संस्कार वश कहिए, मैं उसको अपना नहीं पाता, मैं क्या करूं। कि मैं उस पर टिक सकूं, बुद्ध भगवान ने कहा अच्छा, उन्होंने उसको एक रस्सी बंधा हुआ घड़ा दिया, रस्सी में बंधा हुआ घड़ा दिया। घड़े की विशेषता ये थी कि वो कच्चा था, और उनसे कहा जाकर के इसमें पानी भर करके लेकर के आओ। घड़े को गले से नहीं, उसकी तली से भी बांधा हुआ था। वो व्यक्ति गए कुआं पर और उसमें पानी भर करके ऊपर खींच लिया। जब तक उनके हाथ में आता, मुंह पर से घड़े के टुकड़े हो गए। जो बचा था उसमें थोड़ा पानी बचा था, दोनों हाथ से बड़ा सहेज करके संभाल करके
वो बुद्ध भगवान के पास तक चल दिया, पर रास्ते में भी उसके टुकड़े टुकड़े होकर के गिरते रहे। जब वहां तक पहुंचा तो एक ठीकरा था उसके हाथ में और उसमें चुल्लू भर पानी भी नहीं था। बुद्ध भगवान ने कहा, मैंने तो तुझे साबुत घड़ा दिया था जिसकी पात्रता कितनी बड़ी थी, कितना सारा पानी उसमें आ सकता था, पर तू तो सारे को तोड़ ही आया। उसने कहा, भगवान मैंने नहीं तोड़ा, जब मैंने इसमें पानी डाला, पानी से भरा, तो ये पानी के बोझ को नहीं सह पाया और ये टूट करके गिरता चला गया, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अब बुद्ध भगवान कहने लगे, अगर इसे आग में तपाया होता तो वो भक्त कहने लगा, ये पक्का होता पानी के बोझ को संभाल लेता। बुद्ध भगवान ने कहा, अगर तुम भी पक्के होते जो तुम जानते हो, अगर तुम भी पक्के होते तो इसको संभाल लेते, सहेज लेते। अब भक्त कहता है, तो क्या किया जाए, मैं पक्का हो जाऊं। उन्होंने कहा, घड़े को तो आग से तपाना पड़ता है, जो तेरे पास आग है, जिसको तू कह रहा मैं जानता हूं कि ये सत्य है, उसको अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दे, सच्चाई का रास्ता पकड़ ले, वो सत्य का, सत्य पर चलने का। दूसरे याद रखना, जब सत्य के पथ पर आप चलेंगे तो चारों तरफ आपके विरोधी हो जाएंगे। बड़ा साइंटिफिक बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से सुन लेना। एक है शरीर सुख और दूसरा है जीवन का सुख। आज का परिवेश ये है, शरीर का सुख सब चाहते हैं पर जीवन का सुख कोई बिरला ही चाहता है। सबकी इच्छा, सबका रुझान, सबका विचार, सबकी गति शरीर सुख के लिए है, और आप जीवन सुख के रास्ते पर चलेंगे तो आपके सब विरोधी हो जाएंगे। जितने विरोधी होते चले जाएंगे, आपको सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना है। सत्य का तप आपके अंदर खपने लग जाएगा, सत्य का तप आपके अंदर खपने लग जाएगा और आप में वो क्षमता बढ़ने लग जाएगी कि सामने वाले का विरोध आपको पता है, जो भी आपके संपर्क में आएगा वो सुख की इच्छा से आएगा, पर सुख पूरा नहीं होगा तो आपका विरोध होगा। उस विरोध को आप सहेंगे, आपका धैर्य बढ़ेगा, आपका धैर्य बढ़ेगा, धैर्य बढ़ेगा तो धारण करने की क्षमता बढ़ेगी। लोग क्या कहते हैं, उनको कहने दीजिए, रोकने की कोशिश मत करिए। इसका महत्व इतना समझिए, केवल इसका महत्व इतना समझिए, मेले ठेलों में शोरगुल का कोई महत्व नहीं होता है, सब अपनी अपनी बात कहते हैं, कितने सारे व्यक्ति होते हैं, किसकी बात को सुना जाए, कोई एक बोल रहा हो तो बात को सुना जाए। जब बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं और उनके विचार आपस में टकराते हैं, आवाजें टकराती हैं, तो कैं पे होने लग जाती है और उसको कहते हैं शोरगुल। तमाशबीन उनके मुंह ताकते रहते हैं,
असंख्य शब्द प्रतिक्षण निकलते रहते हैं, ध्वनि एक दूसरे से टकरा करके एक प्रकार का गुल गपाड़े बन जा में बदल जाती है, शोर और चेचे मैने के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता है। आज हर कोई ऐसी अर्धमूर्छित अवस्था के अंदर है जहां व्यक्ति को अपना होश ही नहीं है, उसे यही नहीं पता तू क्या बोल रहा है और क्या कह रहा है, उसका परिणाम क्या होगा। आप उनमें से मत रहना, आपको सच्चाई के मार्ग पर चलना है। संसार में आपको चैपे 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 सुनाई देगी, पर आपको जैसे चैचे पैपे सुनाई देगी, आपकी अंतर आत्मा की आवाज आपको सुनाई देने लग जाएगी। आश्चर्य मनोरंजन की दृष्टि से आप देखते हैं तो आपकी दृष्टि में उन ध्वनियों का इतना महत्व, अर्थ और मूल्य है कि दुनिया को आप मेला समझिए। विभिन्न प्रकार की चिड़िया पक्षी अपनी अपनी बोली बोलते हैं। एक पेड़ पर कितने पक्षी रहते हैं, गिलहरी भी रहती है, चिड़िया भी रहती है, कोयल भी रहती है, कौवा भी रहता है, मोर भी रहता है। अपनी अपनी बोली में अपनी अपनी भाषा को सब बोलते हैं। मैंने कहा मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अपनी मति भिन्नता के कारण वो जो बोलते हैं, आप बस धैर्य रखिए, उससे प्रभावित मत हुइए, सबकी सुनिए, उसमें जो सार सत्य हो उचित हो उसे अपने पास रख लीजिए और बाकी को कूड़ा करकट कबाड़ा समझ करके छोड़ दीजिए। ये कान हमारे कचरे के डब्बे थोड़े ही हैं कि जो उन्होंने कहा इसमें हम उसे डाल करके रखें और अपने मन को लगा करके रखें। कमी यहीं पर है, कमी और कहीं नहीं है, कमी यहीं पर है कि हम सब कुछ अपने मन से लगा करके रखते हैं। बिना सोचे विचारे किसी की किसी परंपरा के आधार पर आप शक्तियों के गलत मार्ग में खर्च करने लग जाते हैं, उसको मत करना। उन औंधी खोपड़ी के बेलगाम लोगों को बकने झकने दीजिए, उनकी तरफ से अपने कानों को बंद रखिए, मुंह को बंद रखिए, उनकी तरफ से मुंह फेर लीजिए, यही आपके लिए उचित रहेगा। आवश्यक केवल एक चीज है, सत्य से मुंह मत फेरना। सत्य से मुंह नहीं फेरना। आपके प्रियजन आपसे तरह तरह की आशाएं करते हैं, हर एक के प्रोग्राम अलग अलग हैं। जल्दी धनी बनने की इच्छा हर कोई रखता है, इसलिए जल्दी धनी बनने की प्रेरणा जो उनके मन में उठती है उसे आप पर वो थोप देना चाहता है, आपको अपना साधन बना देना चाहता है। मेरा साथ नहीं देते, मेरा साथ नहीं देते, मेरा साथ नहीं देते। आप किसी भी प्रकार की अंधाधुंध कमावे विलोग मनमाना खर्च करें, आमतौर से यही आशा हर नौजवान अपने घर वालों से करता है। यदि उनकी इच्छाओं के आगे कोई व्यक्ति अधिक से अधिक पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दे आत्मसमर्पण कर देता है
तो जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक धन कमाने की फिक्र में पड़ जाएगा और उसको ऐब लग जाएगा लोभ का। ये सब ईमानदारी से नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। जो संभव नहीं है उसके पीछे क्यों भागा जाए? सब फिर मस्तिष्क की समस्त शक्ति खर्च करके किसी भी तरह से पैसे को कमाने के लिए तत्पर रहेंगे। और आज देख लीजिए, सच ये है कि नहीं है? आज इस सोच ने आदमी का, समाज का, परिवार का, सबका कचूंबर निकाल दिया है। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। दूसरे नंबर पर हाय सुख, हाय सुख, हाय सुख। एक को तृष्णा और दूसरे को वासना कहते हैं। दोनों ने आज की आदमी की चेतना का कितना बुरा हाल करके रखा है। जैसे किसी शरीर के शरीर को सुआ से गोद दिया जाए, जगह जगह उसमें सुआ मार दिए जाए, ये हाल आज हमारा हो चुका है। इन कटीले झाड़ झंकारों से हमको बचना होगा, जैसा मैंने पहले भी कहा है। सारी शक्ति भी खर्च करके किसी भी प्रकार पैसा कमाने के लिए जो आज तत्पर स्थिति पैदा हो चुकी है, उन गुणों की भूख किसको रह गई है जो ईश्वरीय गुण है? आज तो मैं नहीं, कल बोल पाऊंगा इसी विचार को और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज उतना समय नहीं रह गया है। विषय को कल और विस्तार से करूंगा। प्रियजन प्रसन्न हो, हम भी रात दिन करके पैसा कमाएं, आखिर कब तक, कितना कमाएं कि वो खुश हो जाएं? जिंदगी का अंतिम छोर आ जाएगा, पर आप उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, अपनी स्थिति को गिरा देंगे और आपकी जो अवस्था है वो ही आपके साथ जाएगी। आप इस दुनिया में अपने आप को मिट्टी में मिला करके, बर्बाद करके इस दुनिया से चले जाएंगे। आपके प्रियजन आपकी प्रशंसा भी करते होंगे, आपको सपूत भी बताते होंगे, परंतु निश्चय ही कमाई में समस्त विवेक और कर्तव्य झोंक देने वाला मनुष्य अपने आप ही खिन्न रहता है, उन सपूतों से प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि अंतर आत्मा जानती है ये मुझसे नहीं, मेरे पैसे से लगाव करते हैं, मेरे सुख से लगाव करते हैं, जो मैं सुख इनको देता हूं सुख से लगाव करते हैं। शारीरिक सुख की प्रधानता मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कही थी, जीवन का सुख कोई नहीं चाहता। याद रखना, आप ही खिन्न रहेंगे, आप ही खिन्न रहेंगे और आप ही अशांत रहेंगे, आप ही असंतुष्ट रहेंगे। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था आपको अपने जीवन में ब्रह्म तत्व पैदा करना है, और ब्रह्म तत्व मैंने बताया था आनंद को। जहां आदमी के अंदर आत्मिक आनंद पैदा होना शुरू हो जाता है, वहीं जीवात्मा संतुष्ट होना शुरू हो जाती है, जीवन शांत होना शुरू हो जाता है। दोबारा से बोलता हूं,
जैसे पतीले को आग से उतार करके जमीन पर रख देते हैं, वातावरण के प्रभाव से उसकी गर्मी वातावरण में जाने लग जाती है, भगोना ठंडा होने लग जाता है, जो चीज उसमें है वो ठंडी होने लग जाती है। आप भी अगर परम शांति को पाना चाहते हैं तो आत्म आनंद को आपको अपने जीवन में पैदा करना होगा। पैसा कमाना, धन दौलत को जोड़ना, रिश्तों को रिझाना, उनकी चापलूसी करना अपने जीवन को भी खराब करना है और उनके जीवन को भी खराब करना है। मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया की कीमती से कीमती चीज बताओ, कौन सी कीमती से कीमती चीज है? संतान, धन दौलत, जमीन जायदाद, बड़े बड़े मिल कारखाने, या जीवन? शायद एक स्वर में आप कहेंगे जीवन से कीमती कोई भी चीज दुनिया में नहीं है। अपने आप अपने जीवन को गला रही हो, उसको तेजाब में डाल दिया है। कौन आपका बुरा कर सकता है? अगर आप नहीं कर सकते तो आपका बुरा कौन कर सकता है? इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अपने जीवन को महत्व दो। सबसे कीमती है आपका जीवन। जब आप अपने जीवन की कीमत को समझेंगे तो किसी के जीवन को बचाने की भी कीमत समझेंगे। आप अपने ही जीवन को बर्बाद कर रहे हैं तो दूसरे का कैसे बचा लेंगे, परोपकार कैसे कर लेंगे? परोपकार करने के लिए परोपकार के गुण भी चाहिए। पहले अपने पर उपकार करिए, अपने को योग्य बनाइए। पढ़ाने के लिए मास्टर की जरूरत पड़ती है, पर मास्टर को पहले ट्रेंड होना पड़ता है। MBBS करके व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, पर अभ्यास से उसमें निपुणता आती है, परफेक्ट बनता है अभ्यास से। जितना पुराना वकील होगा, जितना पुराना डॉक्टर होगा, जितना पुराना अध्यापक होगा, उतना ही अच्छा होगा। उसके साथ उसका एक्सपीरियंस जुड़ा है। हमने बहुमूल्य जीवन को गोरख धंधे में लगा दिया, निरर्थक चला जाएगा, निरर्थक चला जाएगा। बच्चे लायक हो गए, जिम्मेदार हो गए, तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। क्या पैदा होते ही कमाने लगे थे? एक समय आया, आपने शुरू किया तो ढलान पर आ गए हैं, तो उसको छोड़ते भी जाइए। अब आपकी आवश्यकता क्या है? दोबारे से कह रहा हूं, जन्म लिया है इसलिए जन्म के महत्व को भी समझिए। बच्चों के, परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां थी, जिनकी पूरी नहीं है, उनको नहीं कह रहा हूं, पर उनको भी ये कह रहा हूं कि जीवन के महत्व को समझिए। कुछ आदमी किन्हीं को प्रसन्न करने में सफलता प्राप्त भी कर लें, परंतु जीवन रूपी जो रत्न है, इस तुच्छ सी कंकड़ी के बदले में उसे बेच दिया जाए क्या?
अपना उद्देश्य किसी को प्रसन्न करना नहीं है, किसी की आज्ञा पालन करना, किसी के इशारे पर नाचना, किसी का अंध भक्त बनना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। आप में से कोई किसी का अंधा भक्त नहीं बनेगा। अपनी अंतरात्मा का अनुसरण करेंगे, किसी के इशारे पर नहीं नाचेंगे। उचित है, आवश्यक है, लाभदायक है, धर्म संगत है, विवेक युक्त है, उसी कार्य को करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कुछ भी, जो मनाया कर लिया, जो मनाया कर लिया, बस चापलूसी करना, चापलूसी करना, ये नहीं करेंगे। जो धर्म संगत विवेक युक्त कार्य करेंगे, उस रीति नीति को अपनाएंगे, उसके पश्चात आम तौर से लोगों की नाराजगी, निंदा, भर्सना, बुराई, विरोध का सामना आपको करना ही पड़ेगा। रोक नहीं सकता कोई आपको, ये कमजोरी है, वो निकलेगी। जिसने इस बाधा को तुच्छ समझ करके ठुकरा दिया, आप बिगाड़ मेरा क्या बिगाड़ेगी, अड़ गया, उसका संकल्प दृढ़ बनता चला जाएगा। पश्चाताप शोक में नहीं डूबना पड़ेगा, पश्चाताप और शोक में नहीं डूबना पड़ेगा। आप किसी को इसलिए स्वीकार मत करिए कि उसे बहुत लोग, बूढ़े लोग, धनी लोग कहते हैं, इसलिए स्वीकार मत करिए। सत्य हमेशा उचित, आवश्यक, न्याय युक्त तथ्यों से एवं ईमानदारी से भरा हुआ होता है। थोड़ी संख्या में कम उम्र के गरीब आदमी भी यदि उस पर चलते हैं, उसको मानते हैं, तो वो इस दुनिया के लाट साहब हैं। अकेला आपका आत्मा ही सत्य है, उसकी पुकार को अनसुना मत करिए। वो पुकार लाखों मूर्खों की बकबक से अधिक मूल्यवान है। जो उचित है उसी को ग्रहण करो, वो ही ग्रहण करने योग्य भी है। आप किसी बाहर के निर्णय करने पर मत चलिए, निर्णय को लेने के लिए अपने आप को स्वतंत्र रखिए, सलाह लीजिए। सलाह लेना अच्छी बात है, कोई भी काम करें अपने से बड़े की, समझदार की सलाह जरूर लीजिए। दो फायदे होते हैं, हर आदमी अपनी सलाह देता है तो उसमें जो कमी है वो निकलती है, आपके लिए आसान होता है। दूसरा, वो आदमी ये नहीं कहता, कह सकता कि मेरे से छुपा करके कुछ किया जा रहा है, ये कहेगा हर बात की सलाह मेरे से करता है तब चलता है, तुमसे प्यार करेगा। अपने निर्णय के लिए बाहर की ओर मत ताकना, अपनी अंतरात्मा से पूछना। अंतरात्मा में बैठा हुआ परमेश्वर जो उचित है उसी को बताएगा। ईश्वर ने संसार कुछ बनाया ही ऐसा है पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, शक्ति भी ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। माँ बाप को वो अपनी शक्ति देता है, गुरु को अपनी शक्ति देता है, बगैर किसी भी छल के, बगैर किसी भी छुपाव के, बगैर किसी भी बुरा चाहने के, माँ बाप गुरु अपने शिष्य और बच्चे को देते हैं। आप भी माँ बाप हैं,
कोई चीज आपने छुपा करके रखी होगी, धन दौलत साधन कुछ रखा होगा, तो वो अपने लिए नहीं रखा होगा, अपनी संतान के लिए ही रखा होगा। समय आया, बुरा समय आया तो निकाल के फट दे दूंगा, अपने परिवार को बचाऊंगा। इसलिए जो उचित है उसी को ग्रहण करें, भले ही उसे स्वीकार करने में आपको निरर्थक बढ़ाई से वंचित रहना पड़े, बेहूदे लोगों का विरोध सहना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म अधर्म की, सुर असुर की, पाप पुण्य की, कर्तव्य अकर्तव्य की, स्वर्ग नरक की, हमारे अंदर और बाहर हर घड़ी हर पग पर हर अवसर पर सामने प्रकट होती रहती है घटना, उस समय कोई काम नहीं आएगा। जब आप अकेले रह जाएंगे तब आपकी आत्मा ही आपका साथ देगी। ये दुनियादारी, आपसदारी तो दुनिया की तरफ घसीटती है आपको, संसार की तरफ घसीटती है। सत्य आत्मा की तरफ खींचता है। दुनिया की आवाज में बहुत शोरगुल है, परंतु सत्य धीरे धीरे चुपके और सहज रूप से बोलता है, उसमें खींचतान नहीं है, उसमें सत तत्व है जो सहज है। अपनी प्रवृत्ति में उस सहजता को लाइए। धर्म का, सुर का, पुण्य का, कर्तव्य का, सत्य का पक्ष लीजिए और शैतान के तूफानी आडंबर से, कष्ट से, उसके विरोध से बचने का प्रयास करिए। तभी तो आप जीवन को आनंद में बना सकेंगे, सुख शांति में बना सकेंगे, उस मार्ग की तरफ आप बढ़ सकेंगे। परम पूज गुरुदेव कहते हैं, सत्य सुख का पिता है, सत्य सुख का पिता है, असत्य दुख का पिता है। किंतु ये सत्य अनेक प्रवंचनाओं से ढका हुआ है, मेरे अंदर की अनेक तरह की प्रवंचनाओं से ढका हुआ है। विवेक के पर्दे को हटा करके आप सत्य को स्वीकार करिए, उसे ग्रहण करिए। यही संजीवन विद्या है। अगर आप अमर होना चाहते हैं तो यही संजीवनी विद्या है। सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। लोग क्या कहते हैं देखना छोड़ दीजिए, सोचिए मत मैं क्या करता हूं वो उचित है या अनुचित, इस बारे में सोचिए। उचित ही सत्य है और सत्य को, सुख का पिता अभी आपको बताया गया है, उसको अपने जीवन में प्रकट करिए। आपको अपने संकल्प बल के सहारे खड़ा होना पड़ेगा, अपने संकल्प बल के सहारे खड़ा होना पड़ेगा। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते, दुनिया का कोई ऐसा पद फल नहीं है जिसको आप प्राप्त करने की हैसियत नहीं रखते। सब कुछ आपके अधीन है, सब कुछ आपके अधीन है, परंतु असत्य का सहारा लेकर के हमने अपने लिए दुख, कष्ट, अभाव पैदा कर दिए। उस स्वभाव में क्योंकि हम ढल गए, इसलिए हमको पता नहीं लगता कीचड़ में पड़े हुए व्यक्ति की नाक में बदबू जाती रहती है और धीरे धीरे उसकी सांस में जाकर के उसके अंदर समाती रहती है। कुछ समय के बाद वो उसका आदि हो जाता है।
शराबी शराब का आदि हो जाता है, चटोरा व्यक्ति चटोरेपन का आदि हो जाता है, उसी में सत्य को ढूंढता है। कुछ इस तरह की अवस्था हमारी भी पैदा हो चुकी है, भोग विलास इसी में हम अपने सुख को ढूंढ रहे हैं, जबकि सत्य ही सुख का पिता है। परम पूज गुरुदेव ने कहा है सत्य ही सुख का पिता है। अपने क्या आपका होना सत्य नहीं है? आपका होना पहला सत्य है। अपने आप को पहले स्वीकार करें, उसके बाद संसार में से सत्य को ढूंढ करके निकालें। जिस तरह से चीटी बालू रेत में से शक्कर के चीनी के कणों को निकाल लेती है, मिठास मिठास को निकाल लेती है, रेत को नींबू लगाती, आपको भी ऐसा ही करना होगा। समय पूरा हो गया, आज की बात को संपन्न करता हूं। विचार करेंगे जो समझाया गया है उस पर, और चिंतन मनन करेंगे। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।